उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस ने मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कैबिनेट से अनुमति मांगी है, जिसके लिए विशेष न्यायाधीश सतर्कता ने धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में फैसला लेने के निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला सामने आया है। इस मामले पर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिनके पास 20 और 22 साल पहले संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, आज इन 20-22 वर्षों में करोड़ों के साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं। ऐसे में मंत्री जोशी को मंत्रिमंडल में बने रहने पर मामले की जांच पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले उन्हें कैबिनेट से हटाकर विजिलेंस को उनके खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत देनी चाहिए। बता दें, इस पत्रकार वार्ता के दौरान विजय शर्मा और हाजी असद उपस्थित रहे। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। माननीय स्पेशल जज है विजिलेंस के, उन्होंने एक तरह से सरकार को निर्देश दिए, गोपन विभाग को निर्देश दिए कि अगली जो सुनवाई होनी है अक्टूबर में, उससे पहले मंत्री परिषद इस पूरे मामले में अपना निर्णय लेकर के बताए, जिससे कि जो मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनके खिलाफ मुकदमा, ऐसा जो संपत्ति का मामला उसमें मुकदमा दर्ज हो। हमारा यह नहीं है, सरकार से हमारी मांग है, मंत्री परिषद का निर्णय तो बाद की बात है, जब आएगा उससे पहले मंत्रिमंडल से गणेश जोशी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं इस जांच को प्रभावित करा सकते हैं, और होना भी यही है। लेकिन हमारा इसमें कहना यह है कि अगर गणेश जोशी मंत्री परिषद में रहे, मंत्रिमंडल में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर ये जनता के साथ न्याय नहीं होगा। और उसके साथ साथ वर्ष 2007 में जो उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, कितना कुल जोड़ घटा के 20-30 लाख की इनके पास संपत्ति हुई, लेकिन आज जो करोड़ों रुपए की जो संपत्ति इन्होंने अपने नॉमिनेशन पत्र में दिखाई है 2022 के, वो तो चौंकाने वाला है। लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाला मामला है कि जो इन्होंने अघोषित तौर पर जो इनकी बेनामी संपत्तियां, सैकड़ों करोड़ रुपए की इनकी बेनामी संपत्तियां, उसकी जांच होनी चाहिए।